हेलो मित्रों, जय माता दी, माता रानी की कृपा से आप सभी का आज इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये वीडियो आप सभी कन्या राशि के लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं, जो कि आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार आज का दिन रहेंगे और किन चीज़ों से वृद्धि होने वाला है। आने वाले इस चार दिन में किस प्रकार लाभकारी परिणाम को प्राप्त करने की संयुक्ताएँ आप लोगों के जीवन पर बन सकते हैं। अति हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि क्या कहते हैं आज के दिन, किन चीज़ों से आप लोगों को वृद्धि करने हैं, किन प्रकार परिस्थितियों से आपके तनाव मुक्त रहने से आपको जीवन में खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज के दिन है आप लोगों के लिए कैसा वह दिन है जो कि आपके जीवन में काफी सारी कामयाबी का लिहाजा ला सकता है या कुछ खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं या बड़ी बड़ी चमत्कार को करने के संयुक्ताएं बन सकते हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आने वाले इस चार दिन में आप सभी कन्या राशि के लोगों को महादेव जो है भगवान महादेव जी की कृपा भी आप लोगों के जीवन पर मिल सकते हैं। आज आपको सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे जो कि आज के दिन है ग्रहों के नक्षत्रों के अनुसार किस प्रकार का भी लाभकारी हो सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज के दिन के आने वाले चार दिन में अगले चार दिन आपका व्यापार व्यवसाय करियर लाइफ आप सभी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सा वो बड़ी खुशखबरी के प्राप्त हो सकते हैं, आपका लकी नंबर आपका लकी कलर क्या रहने वाला है, आपके जीवन में किस प्रकार से लाभकारी योजनाओं को बनाना आप लोगों के लिए किस प्रकार से शुभ और बेहतर हो सकते हैं, तो आपको बताएंगे आज आपको कौन सा महत्वपूर्ण कामकाजों का अंतिम रूप देना हो सकता है और किस प्रकार से आपके जीवन में समस्याओं को दूर भगाया जा सकता है, तो आपकी आर्थिक दंगा भी किस प्रकार से खत्म हो सकते हैं, तो किस प्रकार से विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति कर सकते हैं, तो आपको बताएंगे इस वीडियो में। कन्या राशि के लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ऐसे में इस वीडियो को पूरा से पूरा जरूर देखें ताकि आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों से आपको छुटकारा मिलने के साथ साथ आपके जीवन में परिस्थितियों से आप लोगों को मुक्ति प्राप्त हो सकेंगे। तो लगातार हमारे साथ वीडियो के अंत तक कन्या राशि के लोगों बने रहें, उससे पहले वीडियो को लाइक करें, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। दो दोस्तों आपको बता दें, जो जातक जिम जाते हैं उन्हें यह समय जरूरत से ज़्यादा वजन उठाने से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। इसके अतिरिक्त आपके स्वास्थ्य के लिहाजा से समय विशेष उत्तम रहने की संभावना बनती है, बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। आर्थिक लिहाजा कौन से आपकी राशि के जातकों के लिए समय काफ़ी शुभ साबित होने वाले हो सकते हैं। यह समय इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी कमी नहीं आने देना है, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्राहक की स्थिति आपके लिए बेहतर अवसर प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि लाभ के ग्यारहवें भाव पास स्वामी सूर्य आपके दूसरे भाव यानी कि धन और बचत के भाव के गोचर कर रहा है। यह समय स्वयं के घरेलू कार्यों में दिलचस्पी लेते हुए घर की अन्य महिलाओं की मदद कर सकते हैं। इनसे परिवार में मान सम्मान की बढ़ोतरी के साथ हैं आपके दूसरे सदस्यों के आपके रिश्तों को मजबूत करने में मदद मिल सकते हैं। व्यापार से जुड़े हुए जो जातक आज साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उन्हें यह समय काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके बिजनेस के विस्तार और प्रसार के लिए तकनीकी और सामाजिक नेटवर्किंग आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। यह समय कई छात्रों को मनचाही कॉलेज अथवा कोर्स में एडमिशन मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि बृहस्पति आपके पांचवें भाव यानी कि शिक्षा भाव में गोचर कर रहा है, जिनसे उनका मार्गदर्शन मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ ही उनके आत्मविश्वास और साथ में अच्छी प्रकार से वृद्धि हो सकेंगे। मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में अनार दान करने हैं, जिनके माध्यम से खुशियों की प्राप्ति कन्या राशि के लोगों को होंगे। कई बड़े चमत्कार के साथ कई बड़े चीज़ों से खुशियों को प्राप्त करने होंगे। यह समय आपको हर प्रकार की यात्रा से करने से आप लोगों को करना चाहिए, अन्यथा इसके कारण आप थकान और तनाव महसूस कर सकते हैं, जिसका नकारात्मक असर आपके सेहत पर दिखाई दे सकता है, चूँकि आपके लग्न भाव का स्वामी सूर्य बारहवें भाव में गोचर कर सकता है। आपके आगामी यह समय के लिहाज से बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि दौरान आपके द्वारा किया गया निवेश हर एक निवेश आपको बाद में पर्याप्त लाभ प्रदान करने की संभावना बना सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह समय आपका धन और वेतन स्वामी संगरात्मक अवस्था में होंगे। यह समय आप अपने घर परिवार पर ध्यान रखते हुए दिखाई दे सकते हैं, सदस्यों का पूरा ध्यान रखते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में यदि कोई भी पारिवारिक विवाद चल रहा है तो आज इस समय इस दौरान पूरी तरह से दूर हो सकेगा, क्योंकि बृहस्पति को एक गुरु के साथ रूप में जाना माना जाता है।
जीवन में जाना जाता है और यह आपके चौथे भाव में गोचर कर रहा है, जिनसे घर का भी आपको स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिल सकता है। यह समय अधिकतम ग्रहण की दृष्टि आप लोगों के भाग्य का साथ देने का कार्य कर सकते हैं, जिसके कारण भी आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं से लड़कर सामना करने और उन्नति को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होंगे मिलेंगी। यह समय छात्र पूरी तरह से आराम करना चाहेंगे, लेकिन संभव हो चुका है कि घर परिवार पर जाकर अचानक से आपके परियोजनाओं का आगमन आपकी योजनाओं को बर्बाद कर सकता है। इसलिए शुरुआत से संभावनाओं के लिए पहले खुद को तैयार रखें, सींचे नहीं, अन्यथा आपका पूरा यह समय खराब हो सकता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ कर सकते हैं और हो सके तो व्रत रख सकते हैं। आप लोगों को जीवन में हर प्रकार के खुशियां प्राप्त होंगे, हर प्रकार के चमत्कार होंगे। आप लोगों के जीवन में काफ़ी बढ़िया हो सकता है या काफ़ी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के संयुक्ताएँ बन सकते हैं। बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सकते हैं, खुशों की चीज़ों से वृद्धि कर सकते हैं, हर प्रकार के चमत्कार कर सकते हैं, हर प्रकार के खुशों को प्राप्त करने की जिज्ञासा को जीवन में जगाने का कार्य कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया हो सकता है, आज आप लोगों के लिए काफ़ी उम्मीदों को जगाने का कार्य हो सकता है। यह समय अपने संगी के साथ आप जितने ईमानदार रहेंगे उतना ही आपके और आपके प्रेम संबंधों के लिए बेहतर रहेगा। ऐसे में अगर कोई भी समस्याएं आप दोनों के बीच में हैं तो उसे बढ़ाने की जगह आपस में बातचीत करके सुलझाया जाए, अन्यथा कोई तीसरा व्यक्ति आपके दोनों के बीच में मतभेद को फायदा उठाते हुए आप दोनों के रिश्तों में गलत भावनाएं उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है तो किसी भी कारण से आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति बनने लगी थी तो यह समय आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने शादीशुदा जीवन में आ रहे हर प्रकार की समस्याओं का हल करके शादी के साथ अपने रिश्तों को फिर से तरोताजा करने की जरूरत रहेंगे। अच्छी बात यह है कि आप आशा करने में पूर्ण रूप से सफल हो सकते हैं और सफल होते दिखाई दे सकते हैं, काफ़ी सारे खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं, बड़े चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं, गाड़ी चलाते समय सावधानी रख सकते हैं। कार्य क्षेत्र हो या कारोबार में आपकी कोई लापरवाही आज आपको आर्थिक नुकसान करा सकते हैं, ऐसी जानकारी जाहिर न करें जो कि व्यक्तिगत और गोपनीय हो। अपने प्रिय के बिना समय बिताने में दिक्कत महसूस कर सकते हैं। पैसों पर तौर पर आज का दिन संक्रात्मक रह सकता है, इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। आपको खाली समय आज मोबाइल या टीवी देखने में बर्बाद हो सकता है। इनसे आपके जीवन साथी को आप में किन्मताएँ हो सकते हैं, क्योंकि इनसे बात करने के कोई भी दिलचस्पी ना दिखाएगा। पड़ोसों का दखल शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतों को पैदा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप अपने जीवन साथी के बीच में बंधन बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। इसे तोड़ना आसान नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके जीवन में धन संपत्ति के साथ आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी बेहतर रहेगा। आपके पारिवारिक जीवन में काफ़ी बेहतर हो सकता है, आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी बढ़िया हो सकता है। सबसे अच्छा समय कामयाबी देने वाला समय, आप लोगों को जीवन में खुशियां देने का समय यह हो सकता है। कन्या राशि के जातकों को काफी लाभकारी परिणाम को प्राप्त करना काफी शुभ स्थिति का निर्माण